ये है नासिक की वासिंदा सुवर्णा खत्री। 22 दिसंबर 2021 को इनका बेटा प्रणव बाथरूम में नहाने गया था। उसके बाद क्या हुआ, आप इनके मुंह से सुनिए। 22 दिसंबर 2021 का अनुभव है मेरा। मेरा बेटा नहाने के लिए गया था, मुझे लगा ये नहा के आ जाएगा, तो तब तक क्या हो गया, गैस गीजर के सोफोकेशन की वजह से वो बाथरूम में बेहोश गिर गया। तो मुझे नींद लग गई उस टाइम में। जब मैं उठी तो मेरे घर में पूरा पानी पानी बिखरा हुआ था। मुझे लगा ये दरवाज़ा खोल के बाहर चला गया होगा काम की वजह से। तो मैंने देखा अंदर, तो दरवाजे को कड़ी है अंदर से बाथरूम के। तो मैंने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया कि ये अंदर से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। अंदर नल चालू था। तो फिर मैंने बापू से प्रार्थना की कि हे अंतर्यामी सद्गुरुदेव, आप कुछ भी करो, मेरे बेटे को बचाओ। दरवाज़ा मैंने पहले दो जोर जोर से खटखटाया तो 2 मिनट के अंदर अंदर से कड़ी खुल गई। कड़ी खुलने के बाद मैंने देखा कि बाथरूम में मेरा बेटा पानी के अंदर 1.5 घंटे बाथरूम में गिरा पड़ा था। तो उसकी बॉडी पूरी ठंडी हो गई थी और पूरा बेहोश के हाल में, मतलब कुछ ही नहीं रिस्पॉन्स कर रहा था वो। तो मैंने जब जब उसकी बॉडी उठाने की सोचा तो गिरता जा रहा था। फिर मैंने उसकी बॉडी ऐसा जोर करके थोड़ी बाहर निकाली। मेरे पास बापू का स्पर्श किया हुआ जल था, तो मैंने पूरे पूजा घर में जाके वो जल लाया, उसके थोड़े मुंह में जल डाला, थोड़ा सा मैंने तुलसी अर्क भी डाला और उसके बॉडी पे ऊपर गोझरण अर्क भी छिड़का दिया। तो उसके बाद मैंने उसके पापा को कॉल किया, तो उसके पापा ने भी कॉल नहीं उठाया। मेरे बेटी को कॉल किया, उन्होंने भी नहीं उठाया, कोई आ ही नहीं रहा था। तो इतने में 8 लड़के कहाँ से आ गए पता नहीं, तो उन 8 लड़कों ने उसे बाहर निकाला। तब तक इसको उल्टी हो गई, इतनी बड़ी उल्टी हो गई कि उसके बाद उसका तो श्वास हल्का हो गया। फिर 8 लड़कों ने उसको बेडशीट में पूरा लपेट के हॉस्पिटल लेके गए, उसको ICU में एडमिट कर दिया था। उसके गले में मैंने माला भी डाली हुई थी बापू की, जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप बापू ने बोला वैसे महामृत्युंजय का जाप कर रही थी मैं। बापू को प्रार्थना किया, हे बापू कुछ भी करो इसको बचाओ। 5 घंटे के बाद वो पूरा होश में आ गया। और होश आने के बाद लगभग 1 दिन तक मेरा सिर बहुत भारी था, ICU में एडमिट भी था, बट वही बापूजी की कृपा कि कैसे दरवाज़ा खुला। क्योंकि मैंने घर पे जाने के बाद वो मैं खुद शॉक में था कि दरवाज़ा खुला कैसे। मैंने खुद 10 मिनट ट्राई किया वो दरवाज़ा खोलने का, पर वो हुआ नहीं अंदर एक व्यक्ति को रख के, पर वो मुझसे तो हुआ नहीं, पर वो उस समय कैसे दरवाज़ा खुल गया और कहाँ से इतने लोग आ गए वो मुझे मालूम नहीं। क्योंकि उस और उसके कुछ दिनों बाद मैंने न्यूज़ भी ऐसी पढ़ी थी कि गैस गीजर की वजह से इसकी मौत हो गई, उसकी मौत हो गई, मेरे हमारे नासिक में भी मौत हो गई थी। वो तो आधे आधे घंटे में ही मर गए थे, मैं तो 1.5 घंटा पानी में पड़ा हुआ था। खबरों के अनुसार गैस गीजर के हादसे के लपेटे में जो आता है उसका बचना मुश्किल ही होता है। सुवर्णा के गुरुदेव संत श्यासाराम जी बापू ने इनकी करुण पुकार सुनी और आज इनका बेटा इनके पास सुरक्षित है। यह खत्री परिवार इस चमत्कार के लिए बापू जी का हजारों बार धन्यवाद कर रहा है। बापू का ध्यान करते ही 1 मिनट के अंदर कड़ी खुल गई। वो मैं इतनी हड़बड़ा गई थी कि पूरा भागा दौड़ी कर रही थी, मगर कुछ पता नहीं चल रहा था मुझे, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा था। और ये पहला नहीं, ये दूसरा जीवनदान है। बचपन में भी बापू जी ने एक बार बचाया था और इस उम्र में भी दूसरी बार फिर से उन्होंने बचाया है, यही हमारा अनुभव है।